और मिशन एनएसजी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ताशकंद के लिए रवाना हुए हैं और वहां पर उम्मीद की जा रही है कि फिर प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने एनएसजी के लिए, जो भारत को एनएसजी में एंट्री है उसके लिए पिचिंग करेंगे। और ये प्रधानमंत्री रवाना होते हुए, ये प्रधानमंत्री का निश्चित तौर पर दूसरा दौरा है और बहुत मायने रखता है, खासकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री एक इस मुहिम में जुट गए हैं कि भारत को एनएसजी में शामिल होना है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिनपिंग से मुलाकात भी संभव है और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक क्या चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से साइडलाइन समिट की साइडलाइन से बातचीत होगी। भारत चाहता है कि चीन भारत की इस दावेदारी को सपोर्ट करे। दो दिन की न्यूक्लियस ये प्लेनरी सेशन है जो सियोल में शुरू होगा, यह भी आपको बता दें। हालांकि जब ये पूछा गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सुजाता मेहता से, सेक्रेटरी वेस्ट, कि क्या भारत अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए इसलिए प्रधानमंत्री की बातचीत होगी, तो कुछ भी कहने से उन्होंने मना कर दिया। ताशकंद से मानस इस वक्त हमारे साथ है। मानस, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है ताशकंद पे? ताशकंद में जो एससीओ का समिट शुरू हो रहा है, आज शाम को शुरू हो रहा है, ये दो दिन का एक समिट है, बहुत महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी और डिफेंस के पर्सपेक्टिव से। तो भारत इस एससीओ का मेंबर बनेगा, फुल मेंबर बनेगा, तो भारत को भी जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन होते हैं सेंट्रल एशिया में, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए एक मौका मिलेगा। लेकिन आज का जो सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग सब लोग फोकस कर रहे हैं, ये चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के साथ जो मोदी जी का मीटिंग है अराउंड 3:30 बजे, उस मीटिंग के ऊपर पूरा नजर है सब लोगों का। क्योंकि जो एनएसजी का मीटिंग, प्लेनरी मीटिंग आज से शुरू हुआ है सोल में, भारत का जो दावेदार है, भारत का जो ये एप्लीकेशन है उस पे वहाँ पे आज डिटेल डिस्कशन होने का ये है बात है। और इसीलिए इनफैक्ट भारत को सपोर्ट करने के लिए चीन का जो महत्वपूर्ण सपोर्ट है ये बहुत काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मोदी जी इस विषय पे चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ बात करेंगे। और इस मीटिंग का जो नतीजा होगा उस नतीजे पे सब लोग नजर लगा के रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।